यदि आप कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, अपना यूके यानी उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्नोफॉल या स्नो रिलेटेड एक्टिविटी करना चाहते हैं और उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काम का सिद्ध होने वाला है। वीडियो पूरा देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो लाइव स्नोफॉल देखे और उसका एंजॉय करे। परंतु पहली बार जो जा रहे हैं उन व्यक्तियों के हित को ध्यान में रखते हुए हमने अति आवश्यक सूचनाओं का ये बंडल तैयार किया गया है, जो आपको यहाँ जो स्नोफॉल होता है उसके में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, जो आपके लिए संजीवनी का कार्य करेगी। तो इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा और लाइक कीजिएगा। तो इन जानकारी के कारण आपका सफ़र है सुखदाई की जगह दुखदाई हो जाता है, इसलिए पेनफुल ना हो, एन्जॉयफुल हो। तो इसके अंदर आप यदि आपकी स्वयं की गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो स्नो वाला जो एरिया होता है वहाँ गाड़ी स्कीड होती है, इसलिए 4x4 गाड़ी ले जाए या जिप्सी गाड़ी ले जाए तो वो बेटर रहेगी। यदि वो गाड़ी आपके पास नहीं है तो आप स्नो चेन ले सकते हैं या जो नायलॉन की रस्सी है वो भी लेकर साथ लेकर चल सकते हैं, नायलॉन रोप। जब आप अपनी गाड़ी स्नोफॉल में जब फंस जाएगी तो ये ज़रूर आपका हेल्प करेगी। कौन सी? स्नो चेन और रोप है वो ज़रूर निकालने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। और साथ में गाड़ी के अंदर कंबल और रजाई का प्रबंधन ज़रूर से कर लेवें, क्योंकि स्नोफॉल ज़्यादा होने पर या ट्रैफिक जाम की स्थिति हो जाती है, क्योंकि जब भी स्नोफॉल होता है तो पास पड़ोस के स्टेट से लोग स्नो को एंजॉय करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और अनावश्यक भीड़ अचानक ही बढ़ जाने से ट्रैफिक जाम की समस्या हो जाती है। इस स्थिति में आपको गाड़ी में रात गुजारनी पड़ती है तो वो कम्बल रजाई काम आएगी। और साथ में इस स्थिति में आपको खाना और पीने का सामग्री भी ज़रूर साथ में ले लेवें, ड्राई फ्रूट्स भी ले लेवें, साथ में पानी के लिए हॉट वाटर बोतल काम आएगी वो ज़रूर ले लेवें। इससे एक तो प्लास्टिक की बोतल से पर्यावरण प्रदूषण होता है उस पर रोक लगेगी और साथ में आपको गर्म पानी की उपलब्धता बनी रहेगी, और ड्राई फ्रूट ज़रूर याद करके ले लेवें। साथ में आपको बता दें कि गर्म कपड़े ज़रूर साथ में ले लेवें, जिसमें इनर दो लेयर पहन लें, ज़्यादा ठंड लगती है तो आपको तीन लेयर भी कर सकते हैं, और वाटरप्रूफ जो प्रूफ जैकेट होता है वो ज़रूर ले लेवें, हैंड ग्लव्स है वाटरप्रूफ वो भी ले लेना चाहिए, सिर पर मफलर या टोपी है उसका भी प्रयोग ज़रूर से कीजिएगा। और साथ में यदि आपको बस में यात्रा करनी पड़े तो निवेदन रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, कि आपकी यात्रा पूरे दिन के समय यदि कंप्लीट हो जाती है तो बेस्ट रहेगा, रात्रि में कदापि यात्रा ना करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा रेनफॉल और स्नोफॉल की स्थिति में लैंडस्लाइड और एवलांच की स्थिति में आप फंस सकते हैं। तो लोकल ड्राइवर्स है, ये सुबह मनाली का सीन है, यहाँ के ड्राइवर भी गाड़ियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी क्या स्थिति हो सकती है? ये ब्लैक आइस की वजह से हो रहा है और यहाँ के स्थानीय नागरिक बड़े ही हेल्पफुल होते हैं और आपकी गाड़ी को निकालने का प्रयास जहाँ तक संभव हो करते हैं। तो आपको स्नोफॉल या स्नो के अंदर ड्राइविंग का यदि अनुभव नहीं है तो आप ट्राई मत कीजिए, गाड़ी साइड में पार्क ज़रूर कीजिएगा। ये जो ड्राइवर महोदय हैं इन्होंने 3 बार ट्राई की गाड़ी आगे पीछे की, तब भी गाड़ी नहीं निकली, और स्थानीय जो यहाँ के लोकल ड्राइवर्स हैं उनकी सहायता से धक्का देकर इस गाड़ी को निकाला गया। इसमें स्नो चेन और नायलॉन की जो रस्सी होती है टायरों के बीच बांधने पर यह आसानी से निकल सकती है। साथ में बता दें पैरों के अंदर अच्छे ग्रिप वाले जो शूज़ है वो पहने, अंदर जो जुराब है वो ऊन के रहें तो अच्छा रहेगा, और अपने आप को तैयार रखें। और स्नोफॉल में फिसलने से आपकी हड्डी पसली टूट सकती है, इसलिए ज़रूर विशेष सावधानी से चलें।
एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि बर्फीले स्थानों के ऊपर आपको प्यास नहीं लगती और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका शरीर कब डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया, बीपी कम हो गई। इसलिए समय समय पर पानी का नियमित रूप से चाय कॉफ़ी के रूप में सेवन जरूर करते रहे, क्योंकि जब आप मरुस्थल या रेगिस्तान की यात्रा करते हैं तो आपको मालूम चल जाता है, आपका शरीर संकेत देने लगता है कि गला सूख रहा है, लेकिन ठंडे स्थानों पर आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपका शरीर डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया। इसलिए पानी का नियमित रूप से सेवन करते रहें। सूर्य का प्रकाश जब बर्फ़ के ऊपर गिरता है तो रिफ्लेक्शन होने से अपनी आँखों का लाल होना या उसमें दिक्कत आना एक आम समस्या हो सकती है। इसलिए आप काले चश्मे का ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, गॉगल्स का प्रयोग कीजिएगा। आपको ये गॉगल्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे तो ट्रैफिक की स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है स्नोफॉल के दौरान। इसके अलावा मैं मनाली की अपडेट भी देने वाला हूँ। यदि आपको मनाली घूमने के लिए टैक्सी की, होटल्स, बजट होटल की आवश्यकता हो, वॉल्वो बस की आवश्यकता हो, तो स्वागतम टूर एजेंसी के नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो मनाली पतलीकूल तक बस आ रही है वॉल्वो HRTC की, और उसके आगे आपको गाड़ी से आना पड़ेगा। वो ट्रैफिक की स्थिति वैसी है जैसी पहले थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ विशेष, और अब मौसम ज़्यादा ख़राब होने वाला है, तो आप ज़रूर दिन के समय ही यात्रा कीजिएगा, जिससे आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। ज़्यादा स्नोफॉल होने से एवलांच की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इस संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इससे पिछला वाला ही वीडियो है, ज़रूर देख लीजिएगा। साथ में बता दें, अपने छोटे बच्चे हैं 2 साल से, उनको साथ न लाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हाइपोथर्मिया हो सकता है। माइनस में तापमान जो बर्फीले स्थान है वहाँ चल रहा है। मनाली की भी बात करूँ तो यही स्थिति है। और साथ में मोबाइल को चार्ज करने के लिए पावर बैंक जरूर लाइएगा, और साथ में एक टॉर्च, क्योंकि ज़्यादा स्नोफॉल होने की स्थिति में लाइट गुल हो जाती है जो जल्दी बहाल नहीं हो सकती है, तारों के ऊपर बर्फ़ जम जाती है, इसलिए इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, ये समझा रहा हूँ कि यदि आप इन सावधानियों को रखेंगे तो आपका जो आनंद है वो 4 गुना हो जाएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। फर्स्ट जो स्नोफॉल एंजॉय करने वाले होते हैं उनके लिए, आप कहेंगे तो मैं सोलांग वैली का भी वीडियो ला सकता हूँ, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।